नमस्कार टीवी नाइन राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी राजस्थान में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी साहब ने अपना गियर बदल लिया है गियर तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी बदला था और सरकार पर राजस्थान सरकार पर काफी आक्रामक आरोप लगाते हुए नजर आए थे लेकिन अब सी जोशी साहब जो अमूमन तौर पर बड़े कूल बड़े सहज नजर आते हैं अब वो सीधे तौर पर प्रदेश सरकार तक को नहीं बल्कि अब तो वो सीधे राहुल गांधी को निशाने पर लिए हुए हैं राहुल गांधी पर आरोप लगा रहे हैं और आरोप देखिए किस तरीके के आरोप इतने आक्रामक हैं कि कहीं ना कहीं केवल राज्य की ही नहीं केंद्र तक की पॉलिटिक्स को केंद्रीय स्तर तक की पॉलिटिक्स को जिन बयानों से हिला दिया जाए जिन बयानों से प्रभावित कर दिया जाए उस तरह के बयान सीपी जोशी साहब दे रहे हैं राहुल गांधी को लेकर सीपी जोशी साहब ने कहा है कि जिस तरीके से गोमांस खाने वाले सदन में महा, महादेव की मूर्ति तस्वीर लेकर आते हैं तस्वीर दिखाते हैं यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा अब देखिए बड़ा आरोप है गोमांस खाने हालांकि राहुल गांधी को लेकर यह जो बयान सीपी जोशी साहब ने दिया ये इशारों इशारों में निशाना साधा राहुल गांधी का नाम उन्होंने नहीं लिया लेकिन जाहिर तौर पर आप और हम सब जानते हैं कि महादेव की तस्वीर राहुल गांधी ने ही दिखाई थी तो सीधा यह बयान उन्हीं के लिए है अब सवाल यह उठ रहा है सीपी जोशी साहब कि राहुल गांधी गौमांस खाते हैं कि नहीं खाते हैं यह आपने कैसे तय किया है खैर इस सवाल को हम एक तरफा छोड़ेंगे लेकिन जो ये आक्रामकता है सीपी जोशी साहब के बयान में इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे और इस पर चर्चा करने से पहले हम आपको बता दें आप साइड में भी देख सकते हैं दो दिन पहले हमने एक इनसाइड स्टोरी की थी जिसको नाम दिया था किरोड़ी किरोड़ी संभालेंगे राजस्थान बीजेपी ने यह बनाया प्लान उसमें आपको समझाया था कि प्रदेश बीजेपी के भीतर क्या चल रहा है आप जाकर वो इंसाइड स्टोरी भी देखिएगा फिर आपको समझ में आएगा बीजेपी के भीतर प्रदेश में किस तरह की राजनीति चल रही है दरअसल यह आक्रामक तेवर सीपी जोशी साहब के यूं ही नहीं है इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि उनको भी अब अपनी नौकरी संगठन के भीतर अपनी नौकरी की चिंता सताने लगी है और नौकरी यानी कि प्रदेश अध्यक्ष पद क्या प्रदेश अध्यक्ष पद से विदाई सीपी जोशी साहब की तय है और इसी वजह से वो अपनी अध्यक्षता को अपनी कुर्सी को अपनी नौकरी को बचाए रखने के लिए अब सीधे शीर्ष नेतृत्व की आंखों में फिर से चढ़ना चाहते हैं हालांकि टीम मोदी जब अध्यक्ष उनको बनाया गया था सवा साल के लिए उनका टेन्योर लगभग शुरुआत में तय किया गया था बाद में थोड़ा एक्सटेंशन जरूर उनको दिया गया लेकिन उस वक्त वो सीधे कहते थे कि देखिए मैं तो टीम मोदी में हूं मेरी कोई टीम नहीं मैं टीम मोदी का हिस्सा हूं लेकिन अब जब इस तरह की चर्चाएं चलने लगी हैं तो फिर वो शीर्ष नेतृत्व की यानी कि मोदी शाह की नजरों में क्या उनकी आंख का सितारा फिर से बनना चाहते हैं और अपनी कुर्सी अध्यक्ष पद की प्रदेश अध्यक्ष पद की बचाए रखना चाहते हैं ऐसा क्यों है और उनकी विदाई क्यों तय मानी जा रही है क्यों इस तरह की कयास लगाए जा रहे हैं चर्चाएं चल रही है? ये आपको बताते हैं दरअसल फिलहाल मौजूदा समय में प्रदेश की सरकार के सर्वोच्च पद पर एक ब्राह्मण व्यक्ति है सियासी पंडित जो बताते हैं जैसे भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री हैं ब्राह्मण तबके से आते हैं समाज से आते हैं प्रदेश अध्यक्ष तौर पर भी सीपी जोशी साहब ब्राह्मण वर्ग से ही आते हैं अंदर खाने इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि सरकार पर राजस्थान में ब्राह्मणवादी सरकार होने का टैग लग चुका है और इसका नुकसान लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को दिखा और आने वाले पांच सीटों के उपचुनाव पर विधानसभा की पांच सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं बीजेपी को डर है कहीं ना कहीं यह सरकार की जो ब्राह्मणवादी छवि प्रदेश में बनती जा रही है यह कहीं नुकसान ना कर दे और देखिए नुकसान हुआ है आदिवासियों के मुद्दे पर बीजेपी को काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा है अब आदिवासी वर्ग जो है वो तो प्रदेश में देखिए एक मांग उठ पड़ी है कि भील प्रदेश बनाया जाए चार राज्यों के उनचास जिलों को तोड़ करके एक भील प्रदेश बनाने की मांग चल रही है और इसका सबसे ज्यादा असर राजस्थान में देखा जा रहा है इसको लेकर एक महापंचायत भी बीएपी की तरफ से बुला ली गई है अब आप देखिए लोकसभा के चुनावों में भी किस तरीके से आदिवासी वर्ग जो है वो नाराज था खफा हुआ था मदन मतलब दिलावर ने जो हिंदू आदिवासियों के हिंदू होने को लेकर जो बात कही थी उसके बाद से आदिवासी वर्ग में नाराजगी थी आरक्षण को लेकर भी आदिवासी वर्ग नाराज था कुल मिलाकर नाराजगी एक व्यापक स्तर पर आदिवासियों की बीजेपी के लिए बढ़ी थी तो जाहिर तौर पर उस नाराजगी की काट ढूंढना भी बीजेपी के लिए काफी जरूरी है साथ ही साथ एक तरफ आदिवासियों की नाराजगी दूसरी तरफ सरकार पर ब्राह्मणवादी सरकार होने का तमगा वो बैज लग चुका है तो अब ये दो मुसीबत सरकार के सामने है और इस इन मुसीबतों को देखते हुए सीपी जोशी साहब को यह लग रहा है कि मेरी कुर्सी अब खतरे में है तो जाहिर तौर पर प्रदेश की राजनीति को छोड़कर देखिए प्रदेश की राजनीति में डोटासरा साहब प्रदेश की सरकार पर इस कदर हमलावर हैं एक से बड़े एक आरोप लगा रहे हैं पर्ची की सरकार इस सरकार को लेकर एक कविता भी उन्होंने सदन में पढ़ दी थी और चाहे स, आ, सदन हो या सदन से बाहर डोटासरा साहब कुल मिलाकर हर मुद्दे पर सरकार पर हमलावर है लेकिन वो सब भूलकर सीपी जोशी साहब को राहुल गांधी याद आ रहे हैं इसका सीधा सीधा मतलब है कि अभी प्रदेश की राजनीति और इसमें हो रहे घटनाक्रम का जो असर है वो मुख्यमंत्री भजन लाल की छवि पर पड़ेगा जो जवाबदेही तय होगी वो मुख्यमंत्री भजन लाल की तय होगी लेकिन प्रदेश जो संगठन है जो बीजेपी का पूरा संगठन है उसमें कही कहीं ना कहीं अब अपनी जो वैल्यू है वो सीपी जोशी साहब को कम होती दिखाई दे रही है राजनीतिक लिहाज से और इसी राजनीतिक रेलिवेंस को बनाए रखने के लिए अब फिर से शीर्ष नेतृत्व की निगाहों में सीपी जोशी साहब आना चाहते हैं अपनी रेलेवेंस को बरकरार रखना चाहते हैं और इसी वजह से अब प्रदेश के सियासी मुद्दों को छोड़कर सीधे तौर पर राहुल गांधी पर ही अटैक करना शुरू कर दिया है सीपी जोशी साहब ने कई और, और भी चीजें आप देखिए जिस तरीके से आने वाले समय में पांच विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होने प्रदेश में राजनीतिक मुद्दों के तीर तर्कश से निकाले जाने लगे हैं कई ऐसे मुद्दे हैं वन स्टेट वन इलेक्शन इसके अलावा कई ऐसे मुद्दे भी हैं जिसमें कहीं ना कहीं हिंदुत्व सेंटिमेंट को फिर से जगाने की कोशिश की जा रही है यानी कि चुनावों में उस तरह से भूमिका बनानी बीजेपी ने शुरू कर दी है जिस एजेंडे पर जिस पिच पर आकर बीजेपी खेलती है और उसी तरीके का एक बयान सीपी जोशी साहब ने भी राहुल गांधी के लिए दे दिया है तो कहीं ना कहीं उपचुनाव को मद्देनजर रखते हुए और यह ध्यान में रखते हुए कि कुर्सी सीपी जोशी साहब की बची रहे अध्यक्षता उनको न गवानी पड़े यह ध्यान में रखते हुए सीपी जोशी साहब अब बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं लेकिन जिस तरीके से गोमांस का गोमांस खाने का आरोप राहुल गांधी पर उन्होंने लगाया कांग्रेस की किस तरीके की प्रतिक्रिया रहेगी और कांग्रेस किस तरीके से हमलावर होगी बीजेपी पर और सीपी जोशी के इस बयान पर उसके बाद किस तरह का राजनीतिक विवाद होगा उस पर भी काफी कुछ निर्णय करेगा क्योंकि नौकरी बचानी है कुर्सी बचानी है लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि सीपी जोशी साहब जहां एक तरफ सरकार पर ब्राह्मणवादी सरकार होने का तमगा लग चुका है वो सिचुएशन सरकार को अनकंफर्टेबल कर रही कहीं ऐसा ना हो कि सीपी जोशी साहब जिस तरीके की एक लाइन पर चलकर राहुल गांधी को घेरने में लगे हैं क्या फिर से ये लाइन बीजेपी को अनकंफर्टेबल ना कर दे क्योंकि लोकसभा चुनावों में भी कई ऐसे मुद्दे रहे जो धार्मिक सेंटिमेंट के इर्द गिर्द रहे बीजेपी ने उन्हें उठाया लेकिन उससे कहीं ना कहीं नुकसान ही बीजेपी को उठाना पड़ा है तो अब देखना होगा कि अपने लिए अपनी कुर्सी बचाने के लिए सीपी जोशी साहब बैटिंग तो करते नजर आ रहे हैं लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि इस बैटिंग में जो धुआंधार हिट वो लगा रहे हैं वो हिट बाउंड्री पर कोई लपक ना ले और सीपी जोशी साहब को वापस पवेलियन में लौटना पड़े खैर सीपी जोशी साहब ने बयान दिया इस पर किस तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आएंगी इससे जुड़ी हर अपडेट आपको बताएंगे फिलहाल आज इन स्टोरी में इतना ही अगर आपको जानकारी और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कॉमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बात अपना सवाल अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए टीवी नाइन राजस्थान नमस्कार